Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे Blind Tech Information चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आप लोगों का करियर बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेकर, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी टेक फ्रीडम के यूज़र हैं वो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और आज हम टेक फ्रीडम के एक नए अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि नया अपडेट आया है, जो कि 9 नवंबर को अपडेट आया था और वीडियो में आज बना रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अपडेट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो भी कुछ हुआ है सब कुछ डिटेल में वीडियो में जानेंगे। तो जो लोग जानते हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, है ना। और हाँ भाई, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक का बटन बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना सभी तक, ठीक है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मैं हूँ आपका दोस्त विकास चौधरी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और मैं अपने फ़ोन के टॉकबैक ऑन करता हूँ। तब तक आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर का बटन दबाकर सभी लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करना। तो हम लोग प्ले स्टोर से ओपन करेंगे, प्ले स्टोर टेक फ्रीडम, ठीक है। टेक फ्रीडम है, टेक फ्रीडम एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि ब्लाइंड कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा चल रहा है इस समय, यदि आज के दौर में देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका एक न्यू अपडेट आया, देखते हैं। देखते हैं व्हाट्स न्यू। लास्ट अपडेटेड नवंबर 9th 2023 हेडिंग, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चलते हैं, देखते हैं और क्या नया हुआ है। Google Navig Tech Freedom version 3.7.7 3.7.7 वर्जन है, ठीक है। What's Tech Freedom version 3.7.7? Redesigned the document reader for a more enhanced user experience. ठीक है, रीडिजाइन किया गया है डॉक्यूमेंट्स रीडर को, ठीक है। इसके अंदर कुछ बग थे और देखेंगे। What's Tech Freedom version 3.7.7? Redesigned the document reader for a more enhanced user experience. No verification is required to use Voiceify TTS. Added support for 28 new languages in the document and image readers TTS. Fixed a bug that previously prevented users from saving more than one item in the link and password saver. Enhanced user convenience by enabling all previously converted pages in the document reader to be played and navigated directly from my player. ठीक है, documents readers में कुछ bug थे, वो fix किए गए हैं। 28 new languages add की गई documents and क्या बोलते हैं इमेज रीडर में, ठीक है। इनके रीडर TTS जो है इनके, ठीक है, इसमें, ठीक है, 28 न्यू लैंग्वेज ऐड की गई हैं। इसके अलावा कोई रिक्वायर अब नहीं रहेगी कि आपको वेरीफाई ही करना पड़ेगा इनका TTS को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इस टेक्स्ट में खुला खुला कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह के अपडेट अब हम लोग ओपन कर लेते हैं। Tech Freedom. ओपन किया हमने टेक फ्रीडम को, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। लोगो मेड विद लव एंड ऐप बैकअप बटन, ठीक है। आपका बैकअप, ऑडियो एडिटर, कैश रीडर, ठीक है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर बटन, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, डॉक्यूमेंट रीडर और डॉक्यूमेंट रीडर, डॉक्यूमेंट रीडर, रीडर के अंदर चलेंगे हम लोग। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट बटन, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके अंदर से आप कोई भी डॉक्यूमेंट लोगे, ठीक है, और फिर आप उसको रीड करवाओगे, ठीक है। तो अब आपको TTS में न्यू लैंग्वेजेस में मिल जाती हैं कुछ, ठीक है। और पहले बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि TTS रीड करके नहीं सुनाता था, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम भी अब फिक्स कर दी गई हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग यूज़ करते रहो, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग यूज़ करोगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चला जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या चेंजेस इसमें अभी होने चाहिए, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें आप लोग इनके डेवलपर को मेल करके बता सकते हो कि इस एप्लीकेशन में ये हमें नया चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है।
और देख लेते हैं। Make my player, notepad, password, sit, text, trans, pass, pass, my passwords, button, new password, button. ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। audio lab, calculator, drop audio lab. ठीक है, इसके अंदर ऑडियो लैब का ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, पहले कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता था। ठीक है, अब कैलकुलेटर का ऑप्शन भी मिलने लगा है। बहुत पहले नहीं मिलता था। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किस अपडेट से मिलने लगा, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत दिनों के बाद चेक किया है। ठीक है, share but open in the play store but ठीक है, ये ऑप्शन है। back drive eti eloquent emoji and eti eloquent tts ठीक है, यहाँ पर eti eloquent भी दिया गया है। share but take back 4 minutes stop recording open share open in the play store button ठीक है, तो ये किसी काम के विशेष नहीं है। facebook gallery at google news ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है। play on recorder scanner वैसे बैक करते हैं। audio app backup ठीक है, ये बैकअप वगैरह ले सकते हो। कैश रीडर डॉक्यूमेंट पता नहीं मैं भी कहाँ कहाँ भटकता रहता हूँ भैया। ये बैकअप का ऑप्शन था, आई थिंक मैंने देखा नहीं था। ऑडियो एडिटर बटन ये है, ऑडियो एडिटर। ठीक है, ऑडियो कटर मर्जर ये कटर मर्जर, कैश रीडर ये कैश रीडर है। ठीक है, इसके अंदर आप कैश को रीड करवा सकते हो, करेंसी अपनी, है ना। तो बाकी के ऑप्शन सारे सेम ही हैं, कुछ भी चेंजिंग विशेष नहीं है। ठीक है, बस पुराने कुछ बग फिक्स किए गए हैं, 28 मोर न्यू लैंग्वेज ऐड की गई हैं। ठीक है, बस यही था आज की वीडियो में। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, सभी तक वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको फिर कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।